ज्ञापन दे दिया और नारे लगा लिए, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह तेरे सपनों को हम नहीं झुकने देंगे। वो भगत सिंह भी ऊपर हुआ, सोचा एक ही का पाते आगा बेचारा गए कि अब्बा गन कोई टाबर तो आज को नहीं ना फोन करेगा, मैं थारो काम करवायो, मैं थारो काम करवा। अरे तो थाने टाबर जीता है तो थे ही कराओगा, सभापति नगमा बानो थोड़ी कराओगी अड़े आगे बाओगी के बेचारी नगर पालिका छोड़ गई। सारा भाई ने राम राम। मैं सुनील थारो, देसी पत्रकार किसान फॉक्स चैनल हूँ, राजेश भाई के साथ है और आज मेरी फुल मदद कर रहे हैं कॉलेज कमाई सचिन भाई साहब। तो आज मेरा पूरा आन को मकसद यो है कि जहाँ कॉलेज कमाई चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव बाबत उरा कौन सी पार्टी रैली निकाल रही है, कौन सी नहीं निकाल रही है, के तरीकों वहाँ की तैयारी है। तो आज NSUI का जो कार्यकर्ता और बताशी की मामलों के है के तरीका ये उरा चुनाव होना है। एक सागे सागे उरा जो कॉलेज का मैं जो प्रिंसिपल सर ही बाऊ भी थाने रूबरू करवावा। तो चलो मिला। मेरा नाम है वीरेंद्र चौधरी, पहले मैं किसी संगठन में दूसरे में था, आज उसी संगठन के लोगों ने इस मुरारका कॉलेज को अपने बाप की जागीर समझने का काम किया है। तो तमाम जो मुरारका कॉलेज से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन सब ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थोपी है कि भाई इस मुरारका कॉलेज की जो भी समस्याएं हैं वो आज भी जब से छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जो जब से मुरारका कॉलेज बनी है, जो कि त्यों बनी हुई हैं, हर कोई चुनाव जीत जाता है लेकिन अपने मुख्य मुद्दों से भटक जाता है, इसके बाद वो नेता विलुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। लेकिन इस मुरारका कॉलेज के अंदर जो गरीब नौजवान, जो गरीब जो मजदूर के जो बेटे पढ़ते हैं उनके सपनों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस बार हम लोग छात्र संगठन NSUI से जुड़े हैं और NSUI के साथ मजबूती से मिलकर और इनकी कॉलेज की जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ेंगे और निश्चित रूप से उनको दूर करेंगे। मुरारका कॉलेज में NCC की मांग है, उर्दू विषय की मांग है, यहाँ पर जो रिक्त पद बड़े खाली हैं उनके लिए जो मांग है, ग्राउंड की व्यवस्था के लिए मांग है और ये जो गर्ल्स टॉयलेट हैं वो अलग से समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इन सब मांगों को के लिए हम लोग NSUI से मिलकर लड़ रहे हैं और सैकड़ों जो हज़ारों जो विद्यार्थी हैं उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए हम लोग संगठन से मिलकर लड़ेंगे मजबूती के साथ और आने वाले कल को मतलब अच्छा बनाएंगे हम लोग। उज्ज्वल भविष्य की कामना कैसे कहाँ पा? हाँ बिल्कुल कैसे कहाँ जी बताया। मैं रौनक जाजड़िया, NSUI छात्र संगठन का कार्यकर्ता, और ये जो सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ सभी देख रहे हैं उन भाइयों से जो भी हमारे एक बार बुलाने पर यहाँ पहुँचे उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी ज़्यादा संख्या में वो मुरारका कॉलेज में पहुँचे और अपनी छात्र एकता और शक्ति का दूसरी छात्र गुटों को जो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं उनको शक्ति दिखाई और उनको उखाड़ फेंकने का दम दिखाया कि हाँ सब जब ज़िले के पूरे छात्र शक्ति एक साथ इकट्ठी होगी तब वो क्या कर सकती है। ये जो दूसरे छात्र संगठन है उनको थोड़ा वहम था तो वो उनका दूर हुआ है। अभी देखिए पहले मैं भी दूसरे छात्र संगठन में था और वो छात्र संगठन पिछले 4 साल से कॉलेज की सत्ता में है लेकिन कुछ नहीं है। उनकी मुख्य मांग थी भगत सिंह की मूर्ति लगाना, पार्क बनवाना, उर्दू विषय चालू करवाना। तो देखिए मैंने तो आज तक उर्दू विषय की कॉपी नहीं देखी इस कॉलेज के अंदर कोई बच्चे के पास। विषय और लेक्चरार तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ क्या करते हैं 10 लोगों को ले गए, ज्ञापन दे दिया और नारे लगा लिए भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह तेरे सपनों को हम नहीं झुकने देंगे। वो भगत सिंह भी ऊपर हुए हैं, सोचा एक ही का पाते आगा बेचारा गए कोई ढंग का गए बताओ। अब ये के है कि ये सिर्फ चल जाएगा, अब ये ज्ञापन दी, अब ये कह रहे टाबरान पकड़ के ले जा मीटिंग माटिंग होगी ना, अपन दिखाऊंगा मैं फलाने दिन यहाँ दिया, वो फलाने दिन यहाँ दियो, फलाने दिन यहाँ दियो। अब मान या रिजल्ट चाहिए, हाँ रिजल्ट चाहिए, मान या कौन बेरो कि मान क्वांटिटी कौन चाहिए, मान क्वालिटी चाहिए, चाहे मांग पूरी साल में एक ही मनवाओ, चाहे तारबंदी करवा दो लेकिन करवाओ तो शुरू। अब आर वो सांडागो टाबरा में पड़गो, अब भाई कहीं पिछले 4 साल हुए ना कुणी बस सत्ता में बैठे। एक बाकी सब बड़ी कमजोरी यह है कि अब्बागन कोई टाबर तो आज को नहीं ना फोन करेगा,
मैं थारो काम करवायो, मैं थारो काम करवायो। अरे तो थाने टाबर जीता है तो थे ही कराओगा, सभापति नगमा बानो थोड़ी कराओगी अड़े आगे बाओगी के बेचारी नगर पालिका छोड़ गई। थाने जिताया ही, थाने वोट दिया है तो थे ही करवाओगा। अब क्या कहेंगा, काल एक टाबर एक पोस्ट घेरी है गलांसी फेसबुक के ऊपर कि अब कुछ आएंगे बच्चों को छात्र नेता बना देंगे। ए दसवीं क्लास के टाबरा की भी पोस्ट घेरने लाग रहे हैं छात्र नेता, बिको बाप देख ली, अब बिको बाप बिन तीन दिन छात्र नेता बना रहे क्यों करा बटिया। बिको फोन आयो बोले भाई जी लेट छुटाओ। अब मैं क्या छुटा भाया, क्या ले आयो आके देखे क्या छो। दसवीं क्लास में या उनके बोर्ड में RBSE की लिया, वोट लिया, किताब लिया, पासबुक लिया, पढ़ ना छात्र नेता बन जाऊ मुरारका कॉलेज को। अरे आ ढंगाई को एडमिशन ही को नहीं होगा बारी कर बाद में अं भी गेले यही गेले चल जाए। और कौन आओगे सरकारी कॉलेज में, किसाना का पिछड़ेड़ा टापर आऊँगा पिछाड़ा ही जगह फॉर्चुनर बैठ के आऊँगा, बजाऊंगा मोतीलाल में जाऊँगा, जयपुर जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगा, बाकी कोई मांग नहीं उठाऊंगा ये कोई भी। और दूसरा ने खेदेगा वो छात्र उन नेताओं के साथ उन्होंने फोटो खिंचवा ली फलान की, तो अन खुद ने जगह को नहीं, खुद नेता के घर पड़ता अंडे खुद। अरे अँ को पग फेरो आगो बार नेता नोता की सही की फिरगी बाघा बान भी आपका प्लाट या बेच बेच की जाना पड़ा झूलो अँ का गेल हो आवागे। तो ए तीसरे दिन पहुँच जाए और कोई काम को नहीं, खाली रटरैक होगी ये चार मांग ही अपन लेनी है, लड़कियाँ सागे ले जाऊँगा। अरे लड़कियाँ के लिए टॉयलेट तो नहीं, पहले वादो करवाओ पार्क में भगत सिंह की मूर्ति लगवाऊँ। अरे भगत सिंह की मूर्ति जरूरी है, पहले उर्दू विषय तो लाओ, बावड़ा मुसलमान है टाबर भी पढ़ने जा किता पढ़ने कौन मानोगे शिक्षा तो सर सब नहीं। जब तक लेक्चरार लाऊंगा लेक्चरार लाऊंगा, कोई लेक्चरार नहीं है। पिछले चार साल जो लेक्चरार में देख रहे हूँ ना भाई लेक्चरार ही हूँ रे। और अड़े पियोन भी चेंज नहीं हुए, एक आगो गेट की ही कि गेट पर मांग गेट कीपर बैठाऊंगा जो भी अंदर आने चेक करेगा, कोई चेक नहीं कर रहे। शाम का छोड़ो अब भी देख लियो, थोड़े दिन हम लाइब्रेरी में दो चार बला देंगा पार्टियाँ पर बैठा ला देंगे। रियल बात है टाबरा के लिए किताब को नहीं कोई चीज़ नहीं है। तो पिछले चार साल वहाँ मौको दे रही है, तो अब की बार छात्र शक्ति अलग होगी और दूसरे कैंडिडेट ने मौको देगी। जो भी छात्र शक्ति जो भी छात्रान बढ़िया लागेगा कि हाँ भाई यो अपनी मांग आगे तक लेके जागो और यो अपनी सगड़ी इच्छा पूरी करो, मांग चाहे एक दो कितनी पूरी कर दो लेकिन करो। अया नहीं कि हाँ ज्ञापन दे दियो आगे गेड है, ज्ञापन दे दियो अरे कड़े गेड है नोलगढ़ आगे ज्ञापन जागो नहीं जी सर। मैं NSU जिलाध्यक्ष रमेश गुलेरी, यहाँ पे तो 26 तारीख को एक छात्रों का पर्व होता है, तो दो साल से उनको मौका नहीं मिला। छात्र संघ चुनाव राजनीति की छात्रों की प्रथम सीढ़ी है, उसमें जो राजस्थान सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने घोषणा की है कि उनको अब की बार ये मौका दिया जाएगा, तो ये त्यौहार है, ये छात्रों को शांतिप्रिय तरीके से, हमारी यही अपील है कि शांतिप्रिय तरीके से इस उत्सव को मनाएं। छात्र संघ चुनाव है, ये चार पदों पे लड़े जाते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव। इन जो भी छात्र है वो अपनी मजबूती के साथ एक साथ लड़के इन चार पदों पे छात्र संघ प्रक्रिया है जो वो चलती है और लड़ते हैं, बस यही है, जो भी मांग है उनको मजबूती के साथ लड़ते हैं। और यशपाल बाम्बू, प्राचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। छात्र संघ चुनावों की घोषणा शिक्षा ग्रुप 4 के द्वारा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकांश कक्षाओं के परिणाम नहीं आए हैं। अब ये राज्य स्तर का मामला है, राज्य सरकार का मामला है कि सरकार क्या डिसाइड करती है। हमें जो भी राज्य सरकार से निर्देश मिलेंगे हम उन निर्देशों की पालना करेंगे, राज्य सरकार जैसा कहेगी जो निर्देश आएंगे राज्य सरकार के हमारे कमिश्नरेट के उनके अनुरूप हम कार्रवाई करें। अभी जो चुनाव हैं वो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 31 अगस्त से पूर्व होने जरूरी हैं और अभी 26 तारीख के घोषणा हुई है, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालयों में परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। अब राज्य सरकार जो भी निर्देश देगी उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। सर थानके लागे अभी गया रिजल्ट अभी आया होने तो चुनाव मंडला पहले तो सारे साहबों को चुनाव की तारीख में हो जैसी या फिर चांद से आ जा सकते। देखो इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये राज्य सरकार को तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं, तो इस मामले में मैं मेरी निजी राय कुछ नहीं रखता हूं। जो निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। जी सर, थैंक यू। छात्रा
पर यो चुनावी रंग चढ़ रहे है। विज्ञापन देखी बाहर ना निकले छात्रा पर यो चुनावी रंग चढ़ रहे है। विज्ञापन देखी बाहर ना निकले एक आदमी से मुरारका कॉलेज नहीं खुली थी। अपने जो सीनियर है, अपने घरवाले हैं।